बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब फ्रेंड्स? इंशाल्लाह सब लोग ठीक होंगे और अपने अपने घरों में खुश आबाद होंगे। ये मैं बनाने लगी हूँ माश दाल फ्राई, दाबा स्टाइल हम बनाएंगे। इसके लिए मैंने ये ऑनियन थे दो मीडियम साइज़ के, इनको मैंने स्लाइस करके, और दो तीन ग्रीन चिल्ली इनको भी स्लाइस करके मैंने फ्राई होने के लिए रख दिया। इनको हम लाइट सा फ्राई कर लेंगे और फिर बाद में लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे, तभी मैं इनको फ्राई कर देती हूँ अच्छा सा। जब ऑनियन थोड़े से लाइट से फ्राई हुए हैं, अब मैं इसमें ये कुछ होल स्पाइसेस डालूंगी। इसमें मैंने लिया है ये ब्लैक पेपर होल है, ये 7-8 हैं, और लौंग और ज़ीरा, साबुत ज़ीरा थोड़ा सा ये मैं डाल दूँगी और ये साथ साथ फ्राई होते जाएंगे। अब मैं इसमें डालूँगी ये लहसुन अदरक का पेस्ट और इनको हम गोल्डन ब्राउन करेंगे। ये लहसुन अदरक और ऑनियन लाइट गोल्डन हो गया। अब मैं इसमें डालूंगी ये टमाटर, मैंने दो स्लाइस किए हैं मीडियम साइज के, इनको 4-5 मिनट तक अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे, 4-5 मिनट की अच्छी सी ग्रेवी बन जाती। और साथ में इससे पहले मैं ये डालूंगी स्पाइस, होल स्पाइस है, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, कलौंजी, हल्दी और नमक, ये सारा डाल देंगे। इनको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे, इनकी ग्रेवी बना लेंगे। मसाला अच्छी तरह से भुन गया, फ्राई हो गया। अब मैं ये दाल थी मेरे पास 1 कप मेरे मास की, इनको मैंने 4-5 डब्बे को पहले भगो दिया था, ये डाल दूंगी और इसको 3-4 मिनट फ्राई करूंगी मसाले के साथ। इसको मैं फ्राई कर लेती हूँ 3-4 मिनट। दाल को मैंने 5 मिनट तक अच्छा सा भून लिया मसाले के साथ। अब मैं इसमें 1 कप पानी डाल के इसको लो फ्लेम पे दम पे रखूँगी, इससे ये बिल्कुल टेंडर हो जाएगी और पानी ड्राई हो जाएगा। ये दाल थोड़ी कड़ी कड़ी अच्छी लगती है, इसलिए इसको हम स्लो फ्लेम पे पकाएंगे ताकि मसाले भी अच्छी तरह से दाल में मिक्स हो जाएं और दाल भी टेंडर हो जाए। तो देखते हैं 15 मिनट बाद, इसका फ्लेम भी मैं लो कर देती हूँ। दाल रेडी है बिल्कुल, अभी मैं इसमें डालूंगी ये हरी मिर्च, साबुत धनिया और ये दाल माश ढाबा स्टाइल फ्राई की है मैंने। ये ढाबा वाले ऐसे ही करते हैं, मसाला बना के उसको स्लो कुकिंग पे रख देते हैं सुबह सुबह मसाला बना के, तो उसमें बहुत अच्छी तरह से मसाले मिक्स होते हैं तो टेस्ट बहुत आता है। जैसे जैसे शाम होती जाती है उनकी दाल का टेस्ट और अच्छा होता जाता है। तो साथ में फ्रेश सैलेड और तंदूर की रोटी और रायता। आप प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और लाइक करें। थैंक यू।